वेलकम करता हूँ। अब तो हमारे पुराने फ्रेंड हो गए। कल इवनिंग में शोपियन पुलिस को एक इतला मिली थी कि मनिहाल विलेज में 4 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी सीआरपी पुलिस कॉर्डन डाली और हम लोग अपील किए। इनफैक्ट कुछ में से एक टेररिस्ट के वाइफ को भी ले गए, हम लोग अपील करवाए, बाकी की फैमिली में अपील किए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। और उधर से अंदर से घर के अंदर से फायरिंग किया, फिर इनकाउंटर शुरू हो गया। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए। चारों कैटेगराइज टेररिस्ट है, लश्कर तैयबा से बिलोंग करता है। हालांकि अपने आप को सो कॉल्ड लश्कर मुस्तफ़ा बोलता है, लेकिन हम लोग TRF, PEP, LEM को उतना तरजीह नहीं देते हैं। ये फेक नेम्स हैं, ये सब ऑफ फुट है। LET का, कोई जैश मोहम्मद का, तो ये सारे हमारे कैटेगराइज हमारे लिस्ट में ये LET के नाम पर है। 3 पिस्टल एक ही मिला है। मैं चारों का नाम बताता हूँ। एक है रईस अहमद भट्ट, जो अक्टूबर लास्ट ईयर से एक्टिव था। दूसरा है आमिर सफी मीर, जो फरवरी 2021 से एक्टिव हुआ इसी साल। याकीब अहमद मल्लिक है, जो दिसंबर लास्ट ईयर से एक्टिव हुआ है। और आफ्ताब अहमद वानी, जो लास्ट ईयर नवंबर से एक्टिव हुआ है। फ्रेंड्स, इस साल अभी तक 9 इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें से कि एक नॉर्थ कश्मीर, बाकी साउथ कश्मीर हुआ है। और इस 9 इनकाउंटर टोटल 19 टेररिस्ट मारे गए। इस 19 में से 9 जो है 9 सिर्फ शोपियन डिस्ट्रिक्ट का है। और 2 टॉप क्लास का कमांडर है, एक अलवदर का जो गनी ख्वाजा मारा गया था सोपुर में, और एक सज्जाद अफगानी मारा गया था जैश मोहम्मद का। 2 टॉप कमांडर है। टोटल 18 टेररिस्ट रैंक में नए लड़के ज्वाइन किए हैं, जिससे 18 में से 5 इनकाउंटर में मारे गए हैं, 3 अरेस्ट हुआ है, बाकी फील्ड में एक्टिव है। उनके पेरेंट्स से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको वापस लाए, कुछ पाइपलाइन में है, शायद वापस भी आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोग के करीब 7 ऐसे यूथ था जो कि ज्वाइन कर चुका था, उनको फैमिली के हम लोग हेल्प से वापस लाए हैं। और हम लोगों पर पुलिस सिक्योरिटी फोर्स और पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट बढ़ा दिए हैं। और कल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कल रात में 2 बजे की सरेंडर कर जाएगा, काफ़ी अपील हो रहा था फैमिली के साइड से हम लोग से, लेकिन नहीं हो पाया, उन्होंने नहीं माना। और फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जहाँ तक बात है SOP फॉलो करने का, हम लोग पूरी तरह इसको फॉलो, जैसा कि आप लोगों को पहले बोले थे हम लोग की जनवरी में पहला PC में, कि हम लोग का फोकस रहेगा खास कर जो लोकल टेररिस्ट है जो हमको सरेंडर कराएं, चाहे ड्यूरिंग इनकाउंटर हो या बिफोर इनकाउंटर। तो ये हम लोग प्रोसेस में लगे हुए हैं, SOP का फॉलो हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्स बहुत प्रोफेशनली वे से ढंग से काम कर रही है। और इसका ही नतीजा है कि इस साल 19 मिलिटेंट मारे गए, उस 19 में से कोई भी सिविलियन का डेथ नहीं हुआ है। ये फैक्ट है कि हमारे एक आर्मी के जवान का देहांत हो गया था, शहीद हो गए थे IED ब्लास्ट में। पुलिस का एक इनकाउंटर में बडगाम मारे गए हैं, शहीद हो गए थे। और 2 जो हमारे पुलिस वाले पर फिताइन टाइप का हमला किया था बागत में, उसमें शहीद हो गए। टोटल पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिला के 4 शहीद हमारे हुए हैं। हम लोग अपने ऑपरेशनल स्किल को बढ़ा रहे हैं कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हो और हम लोग को भी लॉस कम हो। कल के इनकाउंटर में आर्मी के जवान थोड़ा जख्मी हो गए, अभी उनका हालत बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल में है। जहाँ तक रेडिकलाइजेशन का बात है, पाकिस्तान अभी भी तक बाज नहीं आया है। अभी भी हम लोग 7 नए टेररिस्ट इंटरोगेशन बात किए, उनसे पता चला कि पाकिस्तान से, उन्होंने प्रूफ भी देखा है कि सोशल मीडिया पर किस ढंग से उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, रेडिकलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात ड्रग्स है, ड्रग्स भी काफ़ी पाकिस्तान से है, हमारे लड़कों को, यूथ को ख़राब किया जा रहा है। इससे मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को संभाल रखें, उनसे काउंसलिंग कराएंगे। अगर कोई बच्चा किसी का, अगर बेटा हो चाहे लड़कियां हो, अगर ड्रग्स लेती है, हमारे पुलिस का जो हॉस्पिटल है ड्रग्स डिटेंशन सेंटर, वहाँ जाए, उसको हम लोग पूरा हेल्प देंगे, करेंगे, उनको मिनिस्ट्री में लाएंगे। उसके अलावा मैं उन लड़कों से, खासकर जो ज्वाइन कर लिया, उनसे अपील करता हूँ कि 2 टाइप का, या तो आप पहले आ जाएँ, या इनकाउंटर में जब आपको मौका मिलता है तो उस टाइम ये आपको एक आपको मौका दिया जाएगा सरेंडर करने के लिए, आप उसमें आ जाएँ, आपके साथ कुछ नहीं होगा, हम लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी संबल की जहाँ तक बात है, हम लोग पूरी तरह तैयार है, हम लोग का अपना प्लान बन गया है
कहीं कहीं हम लोग अब नाका को बढ़ा दिए हैं, कहीं कैंप को शिफ्ट कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के बाद हम लोग को एडिशनल फोर्स मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ सिक्योरिटी का कमी है, जिस इस एरिया में सिक्योरिटी का कमी है, उसको हम प्लग कर लेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल सेफ इंसिडेंट फ्री यात्रा करवाएंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लॉ ऑर्डर की जहाँ तक बात है कि अगर किसी इनकाउंटर में छुटपुट पथरा होता है, देखिए एक चीज बात मानना पड़ेगा आपको, जब फायरिंग शुरू होता है तो हम लोग गांव से और उसके आसपास के घर से लोगों को निकाल लेते हैं। घर से निकालेंगे तो कहाँ रहेगा, इनकाउंटर साइड के बाहर रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर जुलूस जमा हो गया, ये लोग उसी गाँव के होते हैं, उसमें से 5-10 कुछ मिसक्रिएंट होता है जो पत्थर मारता है, उसको हम लोग ठीक से हैंडल कर रहे हैं, जिसका उसमें वीडियो प्रूफ आता है या पिक्चर आया, उसको अरेस्ट करेंगे हम लोग। कुछ को PSM बुक किए हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन ऐसा कोई वारदात नहीं हो रही है कि दूसरे गांव से लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं पत्थरबाजी में। इश्यू कोई सीरियस नहीं है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इनको ज़्यादा इस बात को ज़्यादा ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करें, फॉल्स नैरेटिव नहीं फैलाएं कि पथराव बढ़ गया है। जहाँ भी हो रहा है अंदर कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, बहुत ढंग से इसको कंट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ड्रग्स की बात है, मैं आप लोगों से भी फिर से अपील करता हूँ, आप लोगों की मीडिया का कर्मी का मीडिया फ्रेटर्निटी का ये ड्यूटी बनता है कि पेरेंट्स को और यूथ को अपील करें, उनको इस बीमारी से बचाएं। ये हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। सिर्फ ड्रग्स से लोग मिलिटेंसी ज्वाइन नहीं करता, बल्कि बहुत सारे सोशल इविल है, क्राइम जो है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, पढ़ाई छोड़ता है। हम लोगों का पुलिस का सिक्योरिटी फोर्स का पूरा जोर रहेगा इस साल कि हम लोग माहौल को अच्छा बनाए। दो चीज़ हम लोग मेंटेन करना चाहेंगे कि स्कूल कॉलेज कभी बंद नहीं हो, वो तब होगा जब कोई इंसिडेंट नहीं होगा, माहौल ठीक होगा। दूसरा है कि हम लोग का फोकस रहेगा, ऐसा हम लोग माहौल बनाए कि टूरिस्ट भाई भरकम मात्रा में यहाँ आए, कि लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग पैसा कमाए, सुख शांति यहाँ आए। अब मैं जोशी से रिक्वेस्ट करता हूँ साहब से कि ऑपरेशन के बारे में कुछ डिटेल बताएँ।